हेलो एवरीवन। अच्छा, कल हमने इंश्योरेंस क्लेम्स में लॉस ऑफ स्टॉक का केस हमने देखा था। आज मैं आपको ना उसके प्रॉपर स्टेप्स लिखवा रहा हूँ जो आप फॉलो करोगे क्वेश्चंस करते समय। तो लिखो जरा, स्टेप्स टू बी फॉलोड। अच्छा, इसमें जो पहला स्टेप होगा ना, पहले स्टेप में तो आप एक बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनेगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके डेट ऑफ फायर तक का। तो कब तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे? जब से ये साल शुरू हुआ से लेके डेट ऑफ फायर तक। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपका, फिर आपकी परचेजेस वगैरह आ जाएंगी, वेजेस वगैरह हैं तो वो आ जाएंगी, सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, सेल्स पे जीपी आ जाएगा, 2 GP कैरेट डाउन। और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी ना बाय साइड पे, उसे आप क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या नाम दोगे? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये आपकी आएगी बैलेंसिंग फिगर। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, अब सेकंड स्टेप आपका होगा, आप निकालोगे एक्चुअल लॉस फॉर्मूला। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस स्टॉक सैलवेज्ड। तो एक्चुअल लॉस का फॉर्मूला आ गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस स्टॉक सैलवेज्ड। तो ये आपका क्वेश्चन का होगा सेकेंड स्टेप। ठीक है, चलो अब थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, अब आप चेक करोगे क्या क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज, हमने कल डिस्कस किया था ना, एवरेज क्लॉज अप्लाई कर रहा है या नहीं। याद करो मैंने आपको क्या कहा था, एवरेज क्लॉज तभी अप्लाई करेगा क्वेश्चन में व्हेन इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। व्हेन इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस का केस तब होगा व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी, मतलब जितने की आपने पॉलिसी ली है, दैट इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। याद करो कल वाले एग्जाम्पल में स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 6.5 लाख रुपए का था और हमने पॉलिसी ली थी 5 लाख रुपए की। इसका मतलब हमने पूरे स्टॉक को इंश्योर नहीं करवाया था, मतलब इट वॉज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज क्या करेगा? अप्लाई। अब बताए एवरेज क्लॉज क्या कहता है? एवरेज क्लॉज कहता है, सुनो, एवरेज क्लॉज कहता है कि जितना आपको नुकसान हुआ है ना, उस पूरे नुकसान का रीइंबर्समेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा, बल्कि जितना रिस्क आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर किया था, उतने रिस्क का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसका सीधा फॉर्मूला यूज करना, अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। ये 4 स्टेप्स आपको यूज करने हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ योर क्लेम अमाउंट। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स अपने पास कॉपी कर लेना, याद रखना इन 4 स्टेप्स को, आपके सारे क्वेश्चंस इन्हीं 4 स्टेप्स के बेसिस पे होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। थैंक यू।